सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने एक हेलमेट मंगवाया है, स्ट्रीट बर्ड का रेसिंग हेलमेट। तो उसी का रिव्यू मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 दिनों से उसको यूज कर रहा हूँ, और कैसा क्या रहा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है कुछ स्ट्रीट बर्ड का रेसिंग हेलमेट, जो कि कुछ येलो कलर में है, लेमन येलो। और इसको मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 5-6 दिनों से इसका यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही मुझे। इसमें कोई भी वेरिएंट अदर नहीं मिला था जो कि मैं सेलेक्ट कर सकता था। इसमें एक ही साइज मिल रहा था, एल। मुझे एम चाहिए था, बट इसमें वो साइज अवेलेबल नहीं था। तो मैंने इसको मंगवा लिया था, बट इसको जब मैंने इसके सामने अपना कैमरा माउंट किया तो वो पूरा सर पे सर ढीला हो जा रहा है, और सामने फेस पे पूरा ये काउल जो है वो पूरा आंखों के सामने आ जा रहा है। तो कोई काम का बचा नहीं है मेरा, क्योंकि हम बेसिकली इसको खरीदते हैं ताकि हमें एक्सीडेंट वगैरह से प्रोटेक्शन करा सकें ये हेलमेट, लेकिन ये खुद एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो इसको मैंने रिटर्न कर दिया है, और रिटर्न के लिए कल की पिकअप डेट थी, बट पिकअप डेट पर इसको रिसीव नहीं किया गया। आज उसका मैसेज मेरे पास आया था इसको पिकअप करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना लास्ट बार इसका एक रिव्यू वॉक अराउंड वीडियो आपको डेडिकेटेड बना के बता दूं कि अगर आप मंगवाओ तो भाई साइज के हिसाब से ही कभी भी हेलमेट मंगवाना, अदरवाइज़ अगर आपको अच्छा पसंद आता है। भाई मुझे पसंद आया था इसलिए मैंने मंगवा लिया था, मेरा साइज़ नहीं था उसके बाद में मैंने इसको मंगवाया। मेरे सर में फिट नहीं आ रहा है, इस वजह से मुझे इसको रिटर्न करना पड़ रहा है। तो भाई पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं आया, बट बस पसंद तो सारा कुछ ठीक था, बट ये फिट फाट आ जाता तो मैं इसको रख लेता। अब मैं इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न के लिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो अभी जब ये आ जाएंगे पिकअप करने तो उनको दे देंगे, बाकी तो नेक्स्ट मैंने देख लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसको ऑर्डर कर दूंगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट मतलब ब्लॉगिंग पूरा सेटअप मेरा जितना भी है, मेरे पास और भी चीज़ें हैं, मैंने ब्लॉगिंग के लिए और भी चीज़ें मंगवा के रखी है, तो सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद में प्रॉपर आपको एक ब्लॉगिंग सेटअप बना के बताऊंगा कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए चीपेस्ट ब्लॉगिंग सेटअप आप कैसे तैयार कर सकते हो। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।